जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रे आने वाले हैं, घर घर में माता रानी के आगमन की तैयारियां चल रही हैं। आज हम माता रानी की पोशाक आपको बनाना सिखाएंगे। हालांकि मेरे पास में माता रानी का विग्रह नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने अपनी पोशाक दी है नाप के लिए कि मैम ये मेरे 12 इंची की माता रानी है, उनकी ये पोशाक है और आप इस नाप से मेरी ये पोशाक तैयार कर दीजिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से ये पोशाक हम तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारा घेर है ना तैयार, इसकी लंबाई 9 इंची है और माता रानी के जो कमर से लेकर के नीचे चरण तक की जो लंबाई है ना वो 7 इंच है। 2 इंच एक्स्ट्रा हमने इसलिए लिया है जो जिस चौकी पर हमारे विग्रह रखा हुआ है वो भी ढक जाए और थोड़ा नीचे तक गिरा हुआ घेर होता है तो वो अच्छा लगता है। और इसकी अब जो घेर की इस तरीके से चौड़ाई है ना, वो देखिए वो है 19 इंची। तो हमें जो फैब्रिक लेना है ना, तो वो लेना तो है 9 इंची ऐसे लेंथ में और 19 इंची ऐसे चौड़ाई में, लेकिन हम ले रहे हैं 19 इंची लंबा ले रहे हैं ऐसे लंबाई में। और यहाँ से हमने लिया है ये 23 इंची। 23 इंची हमने थोड़ा सा हमने ज्यादा लिया है ताकि घेर थोड़े पतली अच्छे तरीके से आ जाए। प्लेट्स जो हम डालेंगे तो उसमें थोड़ा जितना ज्यादा घेर होता है उतना ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसके साथ ही हमने इसका एक आरकंडी का अस्तर भी कट कर लिया है। मेरे पास मैचिंग आरकंडी नहीं थी, मैंने व्हाइट आरकंडी ही ले लिया। आरकंडी हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारा घेर है ना थोड़ा खड़ा खड़ा रहेगा। साथ ही 2.5 इंची चौड़ी और इस घेर के बराबर के लेंथ की मैंने एक बुकरम की पट्टी भी कट कर ली है ताकि हमारा घेर बिल्कुल स्टिफ रहे, प्लेट्स एकदम जैसी हम बनाएं वैसी की वैसी ही रहे। साथ ही हमने 10 इंची ऐसे और लगभग हमने 40 इंची लंबी ये हमने नेट की पट्टी कट कर ली है। तो अब देखते हैं, बनाना शुरू करते हैं कैसे हमें बनाना है। पहले हमें क्या करना है, इसको कपड़े को हम उल्टा रखेंगे अस्तर के ऊपर। अस्तर के ऊपर रखने के बाद में इसे यहाँ से सिल लेते हैं। इसे सिलने के बाद इसे पलट देंगे अस्तर को हम, और देखिए ऐसे नाखून से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब इसे ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद एक बार हम कच्ची सिलाई लगा देंगे यहां से और यहां तक। ये हमने इसको पलट दिया, साथ में यहां से चारों तरफ से कच्ची सिलाई भी लगा दी। कच्ची सिलाई हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो अस्तर और ये जो ऊपर का पीस है ना वो हिले डुले नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो बुकरम की पट्टी है ना उसको यहाँ किनारे से अटैच कर लेते हैं। सिलाई हमने देखिए 1, 2 और 3 साइड ही लगाई है, अभी इस साइड नहीं लगाई है क्योंकि इस साइड हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे तो वो हमारी यहाँ दिखाई देगी, इसलिए हम यहाँ सिलाई नहीं लगाएंगे। ये हमारी साइड लेस जब हम लगाएंगे तो लेस में दब जाएगी। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने थोड़ी चौड़ी लेस ली है गोल्डन कलर की और उसको हम यहाँ पहले किनारे से टक कर देते हैं। एक सिलाई यहाँ लगाएंगे, एक सिलाई यहाँ लगाएंगे। लेस लगा ली हमने, अब नेट ली है और नेट में भी एक साइड हम ये देखिए ये वाली लेस टक कर लेंगे। नीचे की साइड में ये लेस हमारी आएगी। ये देखिए एक लेस हमने टक कर ली है, लेकिन ये कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है हमें, तो हमने देखिए एक लेस और ली है तो इसके ऊपर हम इस लेस को भी टक कर देंगे क्योंकि माता रानी की पोशाकें थोड़ी हैवी तो होनी चाहिए। ये देखिए नेट में हमने ये दूसरा वाला लेस भी लगा लिए है, अब ये बहुत अच्छी लग रही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो घेर हमने बनाया ना इसके दोनों सिरों को हम टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारी नाप वाली पोशाक है उसकी कमर नाप लेते हैं। 5 इंची ये कमर में हमारी प्लेट्स आ रही हैं, तो ये भी हम इसको भी हम 5 इंची में डाल लेते हैं। इसके अंदर भी जो प्लेट्स डालेंगे वो 5 इंची में डालेंगे। वो देखिए किस तरीके से डालेंगे, ऐसे घेर को आगे बढ़ाते जाएंगे और प्लेट हम डालते जाएंगे। तो इस तरीके से पहले प्लेट्स डाल लेते हैं।
5 इंची में हमने घेर बना लिया है। अब इसको क्या करेंगे, उल्टी तरफ से प्रेस को, ये प्रेस लगाएंगे इनको। देखिए प्लेट्स को जैसे हमने डाली थी उसी तरीके से प्लेट्स को हम सेट करते हैं। पहले ये देखिए पैरी पूरी ये जो चुन्नटे हैं पूरी प्लेट्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे हम। इस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद यहाँ उल्टी तरफ से हम प्रेस लगाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा घेर बन गया है। अब क्या करना है हमें, ये जो हमने नेट का घेर कट किया था ना, अब इसमें भी हम चुन्नटे डालेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से डालेंगे, 5 इंच के अंदर ही डालेंगे। तो इनको भी हम पहले तैयार कर लेते हैं। इसमें भी हमने प्लेट्स डाले, अब इन प्लेट्स को हम इसके साथ में अटैच कर देंगे, इस वाले घेर के साथ यहाँ से अटैच कर देते हैं। साथ ही इन दोनों साइड से हम ऐसे अंदर की साइड मोड़ते हुए यहाँ दोनों साइड से भी अटैच कर देंगे। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये 5 इंची है, इससे 1 इंची ज्यादा और 2 इंची चौड़ा हमने एक नेफा तैयार करने के लिए पट्टी कट कर ली है। इसको 1/2 इंची अंदर की साइड मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद डबल करेंगे, डबल करने के बाद यहाँ से रख करके इसकी यहाँ तक सिलाई कर लेंगे और बाद में डोरी डाल करके अंदर की साइड में इसे मोड़ करके यहाँ सिलाई लगा देंगे। इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए घेर हमारा इतना तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें हमें और भी कुछ करना है। ये देखिए एक हमने निशान लगा लिया था जब इसे चुन्नटों इसमें डालने से पहले सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक हमने मार्क कर लिया है। और इसको देखिए सेंटर में मार्क करने के साथ साथ हम इसको क्या करेंगे, सेंटर से ऐसे ऐसे प्लेट्स उठाते चले जाएंगे। ये देखिए ऐसे प्लेट डालते डालते हम यहाँ तक ले आते हैं। ये यहाँ ला करके हम सुई धागे की मदद से एक टांका लगा देंगे। ये देखिए इसको हम प्लेट्स को ऐसे करके ऐसे कर देंगे, सॉरी लेस को ऐसे करके वीन बना करके और यहाँ पर एक टांका लगा देते हैं। ये देखिए हमने ये इसको वी शेप बना करके इसको यहाँ पर टांका लगा दिया। अब मैंने देखिए एक ये बूटी ली है और इस बूटी को मैं यहाँ पर या तो सुई धागे की मदद से हम टांग देंगे या फिर ग्लू गन की मदद से चिपका देंगे। देखिए कितना सुंदर हमारा ये घेर बन गया है। जब ये ऐसे करके हम माता रानी को पहनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए घेर इस तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल अच्छा बहुत खूबसूरत ये हमारा लहंगा बन गया है। अब इसके लिए चोली बना लेते हैं और एक चुनरी बना देते हैं। चलिए अब चोली बना लेते हैं। चोली के लिए हमने 3 इंची चौड़ा और 6 इंची लंबाई ये फैब्रिक कट किया है, साथ ही इसका अस्तर भी कट किया है। चोली हम बिल्कुल जैसे अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाते हैं उसी तरीके की बना रहे हैं। वैसे तो माता रानी के लिए बहुत लोग चोली नहीं बनाते हैं, चोली नहीं पहनाते हैं, केवल पटका पहना देते हैं ऊपर से, उनकी भुजाएं आ रही होती हैं तो चोली पहनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हम लड्डू गोपाल स्टाइल की चोली बनाएंगे तो वो आसानी से पहन पाएंगी। तो इसलिए मैंने इस जैसे हम लड्डू गोपाल की चोली आपको सिखाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम ये चोली बना रहे हैं। तो 3x6 का हमने पीस कट कर लिया है और इसको एक बार ऐसे लंबाई में फोल्ड करेंगे हम। अब इसको चौड़ाई में फोल्ड करेंगे और ये कोने से थोड़ा सा 1/4 इंची हम कट कर देंगे और बैक से ओपन रखेंगे तो बैक से भी ये हम कट कर देंगे। साथ ही अस्तर भी हमने कट कर लिया है तो अस्तर के ऊपर रख के उल्टा रख के हम ये गले की सिलाई लगाएंगे, ये बैक की और गले की ये सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हमने लगा ली, अब इसको कट कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर का, उसको हमने कट करके निकाल दिया और जो कॉर्नर्स हैं उनमें हल्के से कट लगा करके और इसको हम पलट देंगे। इसको हमने पलट लिया, यहाँ सिलाई लगा लेते हैं, यहाँ सिलाई लगा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरी कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे, साथ ही एक
डार्ट हम यहाँ से यहाँ तक डालेंगे कमर के लिए। ये देखिए इतना काम कर लिया। इसके बाद ऊपर से हम ये लेस लगा रहे हैं और लेस लगाने के बाद में हम ऊपर से ये वाली लेस भी लगाएंगे जो हमने इसमें चुन्नी में लगाई है अपनी। ओढ़नी देखिए हम रेड नेट की बनाएंगे। अब इसको हमने ये 8 इंची ऐसे चौड़ी ली है नेट और 20 इंची हमने लंबी ली है। ये देखिए हमने 8x20 इंची की चुन्नी माता रानी की कट की है। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाली एक साइड जो सिर पर आती है ना माता रानी के, उस पर हम ये चौड़ी वाली लेस लगा लेते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी चुन्नी और लहंगा और चोली। और दोस्तों हम अभी पहनाकर आपको दिखा देते हैं, लेकिन श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में जब हम नए कपड़े नहीं पहनते तो हम अपने भगवान को भी नए कपड़े नहीं पहनाएंगे। तो हम जब नवरात्रि लगेंगे, पहले नवरात्रि को हम ये जब पोशाक पहनाएंगे, पोशाक पहना करके आपको दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत लग रही है पोशाक। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छी नई पोशाक लेकर के आपके साथ में। धन्यवाद। पहना करके आपको दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत लग रही है पोशाक। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छी नई पोशाक लेकर के आपके साथ में। धन्यवाद।